हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। तो देखिए, हम लोग हमारा राजस्थान का चैप्टर नंबर 3 कर चुके थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4। यदि आपने चैप्टर पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। हमारा राजस्थान की जो बुक है आपकी 6 से लेकर 10th तक की प्लेलिस्ट में डाली हुई है, वहां आप पढ़ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। और आज का चैप्टर, तो यहाँ से एक प्रश्न जो है वो आपको राजस्थान में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में देखने को मिला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, फटाफट से करते हैं। यदि आपने चैप्टर पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो भी ये चैप्टर जो है वो आपका कवर हो जाता है इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो आपको इस चैप्टर से बाहर नहीं मिलेगा, सभी मैंने यहाँ पर लिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखें, राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे विकसित हुए? राजस्थान में जो पाषाण युग, प्रस्तर युग कहें या पाषाण युग कहें, इसके अवशेष जो है किन नदियों के किनारे विकसित हुए? तो वह है बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे हमें पाषाण युग के जो अवशेष हैं वह प्राप्त हुए हैं राजस्थान में। सेकंड है क्वेश्चन, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपको ध्यान में रखना है तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो तांबे के जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से भी मिले, गणेश्वर सभ्यता से भी मिले और आहार सभ्यता से भी मिले। तो इन तीनों सभ्यताओं से हमें ताम्र जो तांबे के अवशेष हैं वह प्राप्त हुए राजस्थान में। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि आपने जो एग्जाम दिए हैं या आगामी जो एग्जाम होंगे वहां पर आपको 6th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में से ही क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और डिटेल में हम लोग चैप्टर में तो पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट देखो, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो आपको पता है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमलानंद घोष जो है किस सभ्यता से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो यह हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। 7 है, अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले अमलानंद घोष ने जो इस सभ्यता को खोजा, उसके बाद जो है यहाँ पर खुदाई का काम जो है किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता से ये तीनों नाम ही जो है आपको जानने हैं, जरूरी हैं और याद रखने हैं, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता में नालियां जो है किससे बनी हुई थी? तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो है मिस्टेक क्या हो जाती है कि कालीबंगा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है, तो यहाँ पर जो है नालियां पक्की ईंटों की तो बनी होंगी। ध्यान में रखना है लकड़ी की और ईंट की दोनों की ही मिली। ठीक है, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान में रखना है कि कालीबंगा सभ्यता जो है यहां से हमें जो मकान मिले हैं वह कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था मकान में। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं कहाँ पर बनी होती थी? तो यहाँ पर जो है अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, यानी पूजा पाठ ये लोग करते थे, तो चबूतरों पर जो है अग्नि वेदिका मिली है। नेक्स्ट देखो, कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता ये भी नगरीय सभ्यता है, तो इसके समान थी इसके नगर नियोजन की व्यवस्था, यानी कि बहुत ही उचित तरीके से बनाई गई थी सड़कें और यहाँ की जो नालियां हैं वह भी बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी, जिस तरीके से वर्तमान में आपको नजर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि जो है वो कहाँ की जाती थी? तो याद रखना है कि जो नगर होते थे इनकी चार दीवारी के बाहर जो है कृषि होती थी। 13 है क्वेश्चन, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, तो मकान बनाने के लिए यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और ध्यान रखना है कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग हमें जो है कालीबंगा में मकान बनाने के लिए मिला है। 14 है, गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं गाय के मुख वाले प्याले, या हम कह सकते हैं कि गाय जो है इससे परिचित थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। 15 है, तांबे के बैल की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ताम्रकालीन जो सभ्यता है या
तांबा जो है वह कालीबंगा से मिला है, तो यहाँ तांबे के बैल की मूर्ति भी मिली है। 16 देखो, कांस्य का दर्पण जो है किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो वह भी क्या है, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कांसे का तांबा और कांसा मिला है, तो यहाँ कांसे का जो दर्पण है शीशा जो है वह भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 17 है कि किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से जो है वो बना कंघा प्राप्त हुआ है, तो वह भी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। यानी चैप्टर में कालीबंगा सभ्यता से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो सब जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़े हैं, तो उनको ध्यान में रखना है कि जो भी 6 से 12 तक की आप लोग एनसीईआरटी की बुक या आप राजस्थान जीके की जो बुक स्कूल में चल रही है, यदि आप इनको पढ़ जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा हर प्रश्न को करना। तो ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता से जो है वो हमें कौन कौन से जानवर से ये लोग परिचित थे, तो कौन कौन से जानवर की जो है वो वस्तुएं मिली हैं, तो ध्यान रखना है एक तो गाय से परिचित थे ये, बैल से परिचित थे और हाथी से भी परिचित थे। ठीक है, ऐसे घुमाकर भी प्रश्न जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, 18 है कि कालीबंगा सभ्यता का विनाश का क्या कारण माना जाता है, तो ये सुव्यवस्थित नगर नियोजन जो है यहाँ पर हमें मिला है इस सभ्यता में, फिर भी ये सभ्यता जो है का विनाश हुआ, कारण क्या रहा, तो कारण जो है माना जाता है कि नदियों का पानी जो है सूख गया होगा, मरुस्थल जो है वो बढ़ गया होगा, लोग यहाँ से चले गए होंगे, या फिर नदियों का पानी सूखने की वजह से जो है लोग यहाँ पर मर गए होंगे, ऐसी जो है धारणाएं जो है वो बताई गई इतिहासकारों के द्वारा, तो इस वजह से ये सभ्यता जो है वो विनाश की स्थिति में चली गई। 19 है कि उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है, हमने कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड हर प्रश्न देख लिया है इस चैप्टर में जो था। ठीक है, ध्यान रखना है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि कालीबंगा सभ्यता से और भी जो है आप लोगों को याद रखने हैं फैक्ट, तो इस चैप्टर में जितने थे वो हमने किए हैं, बड़ी क्लासेस में यानी 10th क्लास में जाकर आप देखेंगे और भी आपको फैक्ट जो है वो मिलेंगे, लेकिन हम चैप्टर को ध्यान में रखेंगे, जितने चैप्टर में क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं को हम याद रखने की कोशिश करेंगे। उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है, तो वह है आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता जो है कहाँ पर विकास हुआ इसका, तो उदयपुर में। किस सभ्यता को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था, तो वह है आहड़ सभ्यता। इसको जो है पहले किससे किस नाम से जाना जाता था, धूलकोट और ताम्रवती। तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक की ये सभ्यता है, तो ये समय भी ध्यान में रखना है। 21 देखो कि किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, तो वह जो सभ्यता है वह आहड़ सभ्यता है। ठीक है, अब 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं यानी एक साथ बैठकर भोजन करते होंगे, तो इसलिए हम इसको संयुक्त परिवार की जो सभ्यता है वह भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता तो इसको हम कहेंगे ही। कौन सी सभ्यता जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था, यानी कि बहुत ही जो है अच्छे किस्म के जो है चावल मिले हैं यहाँ। ठीक है, तो वह सभ्यता भी है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में प्राप्त जो है चूल्हे किस प्रकार के थे, तो जैसे भट्टी होती है तो भट्टी के आकार के बने हुए चूल्हे प्राप्त हुए। कौन से स्थल के निवासी जो है बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, तो वह आहड़ सभ्यता के निवासी थे जो कि बर्तन कला जो है इनको बहुत अच्छे से आती थी, बर्तन बनाने की कला में ये निपुण थे। नेक्स्ट देखो कि आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के जो बर्तन है किस रंग में रंगे हुए थे, तो ध्यान रखना है कि वो है लाल भूरे रंग, या हम कह सकते हैं लाल काले रंग के जो है विशेषकर मिट्टी के बर्तन यहाँ मिले हैं। आहड़ सभ्यता में मकान किसके बने होते थे, तो कालीबंगा की अगर बात करें तो हमने देखा कि वहां पर ईंटों के बने हुए थे और विशेषकर कच्ची पक्की दोनों ईंटों के, है ना। यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता है तो केवल कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, लेकिन नींव जो थी वह पत्थर की बनी होती थी, और ये प्रश्न जो है वो आपका किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से जो है 26 किस्म की मणियां मिली हैं, 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं और 3 जो है वो है मोहरे प्राप्त हुई हैं, तो वह है आहड़ सभ्यता। तो यहाँ पर जो है कई तरीके से प्रश्न जो है वो बन जाता है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आहड़ सभ्यता से हमें जो है अलग अलग तरीके की मणियां मिली हैं तो कितनी मिली हैं, संख्या पूछ सकता है। ठीक है, या कितनी जो है वो तांबे की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। धूलकोट के विंध्वस यानी कि धूलकोट जो है यानी आहड़ सभ्यता के समाप्त होने के बाद यहाँ के लोग जो है चले गए और उन्होंने कौन से नगर बसाए, तो इन्होंने जो है ग्लूंड और भगवानपुरा जैसे नगर बसाए, यानी उदयपुर में ही बसे हैं ये भी। उदयपुर की बल्लव तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है, तो अब आहड़ सभ्यता से संबंधित जो है हमने प्रश्न कर लिए इस चैप्टर में जितने भी थे, अब हम देखेंगे कि उदयपुर की जो बल्लव तहसील है यहाँ पर जो है बालाथल सभ्यता।
तो ये सभ्यता जो है वह किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, यहाँ भी तांबे के अवशेष हमें मिले हैं, जिस तरीके से बिल्कुल आर्य सभ्यता में मिले। किसे सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग यानी किले जो है इसके चिन्ह भी मिले हैं। एक तो हमें 11 कमरों के एक बड़े भवन यानी कुछ सभा या समिति इस तरीके से होती होगी, ठीक है, और किला जो है वह भी मिला है। तो ऐसे चिन्ह जो प्राप्त हुए हैं वह है बालाथल सभ्यता। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर एक तो तांबा तो मिला ही है आहड़ सभ्यता की तरह, साथ में यहाँ पर जो है लोहकालीन यानी लोहे के अवशेष भी मिले हैं। लोहे से बनी हुई जो है वस्तुएं मिली हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है लोहकालीन सभ्यता भी रही है। लोहा गलाने की भट्टियां, ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये लोहकालीन सभ्यता क्यों कही गई, क्योंकि यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियां मिली। जैसे आहड़ सभ्यता में हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली, ऐसे ही जो है बालाथल सभ्यता में हमें लोहा गलाने की भट्टियां मिली। तो आज हमने जो है कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, तीन सभ्यताएं जो है 32 क्वेश्चन जो है वो बने हैं इस चैप्टर में, और अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 जो है वह है बहुत ही छोटा था, अगर हम प्रश्न देखें तो उसमें कम ही प्रश्न निकल कर आए थे। इस चैप्टर में जो है काफी प्रश्न है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे नेक्स्ट सभ्यता को। तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।